पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में मार्च के महीने से मौतों की वजह बनने वाला वायरस यानी कि कोरोना वायरस का असर अब तक बंद नहीं हुआ है। इस वायरस से देश में कोई भी कोना अछूता नहीं रहा है। तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो यहां पहली मौत 29 मई को हुई थी। तब से लेकर अब तक मौतों का आंकड़ा 3010 छू चुका है। मई के महीने से अगर अब तक की बात करें तो 3000 को छूने वाला आंकड़ा काफी डरने वाला है। 29 मई को हुई थी कोरोना से पहली मौत। 193 दिन में मौत का आंकड़ा 3000 पार। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की तुलना में पड़ोसी राज्यों में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, मगर मौतों के आंकड़े छत्तीसगढ़ में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। सबसे ज्यादा मरीज तेलंगाना में, मौतें कम। अगर जानकारों और डॉक्टर की सलाह माने तो जब तक वैक्सीन का टीका नहीं लग जाता तब तक मास्क ही एकमात्र वैक्सीन है, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है और ना ही कोई सटीक दवा।